डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डियर स्टूडेंट, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी नियम है क्या? जब हम लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब हम लेंस से संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं, जैसे उत्तल लेंस का केस आ जाए, अवतल लेंस का केस आ जाए, तो वहां पर हम साइन यानी वहां चिन्ह क्या होता है, कब प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, वो चीज हमें चिन्ह परिपाटी नियम के द्वारा रखनी पड़ती है और वहां सावधानियां ध्यान से रखना पड़ता है, सावधानी देनी पड़ती है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल कभी रॉन्ग ना हो और सरलता पूर्वक सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी नियम क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लेंस लिया है, उत्तल लेंस है। यहां आपको उत्तल लेंस का केस समझाऊंगा और आपको अवतल लेंस के बारे में बताया है, तो वहां से इसका भी रिलेशन दिखा दूंगा कि क्या कैसे होगा। ध्यान से समझिए, देखिए चिन्ह परिपाटी नियम कहता है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, या गोली लेंस की बात करें, स्फेरिकल लेंसेज। चिन्ह परिपाटी नियम कहता है कि प्रकाश की किरण सदैव लेंस के बाईं ओर से, देखिए ये हाथ हमारा बाईं ओर, इधर साइड में बाईं ओर होगा, लेंस के बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं। इसका मतलब है दूसरे शब्दों में कि ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर यानी इस केंद्र के किधर, दाईं ओर की दूरी सदैव धनात्मक लेते हैं। आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि जो भी दूरी नापेंगे यानी समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके साथ नापी जाती हैं। कहां से नापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरी धनात्मक लेंगे, दूरी यानी डिस्टेंस, और प्रकाशिक केंद्र के तब बाईं ओर की दूरी क्या लेंगे, वो ऋणात्मक लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर जो भी लंबाई होगी, चाहे वस्तु की हो चाहे प्रतिबिंब की हो, वो सदैव धनात्मक ली जाती है, तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर यानी नीचे नीचे की ओर जो भी लंबाई हम नापेंगे उसको सदैव ऋणात्मक लिया जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारा उत्तल लेंस। आप सभी को मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और फोकस क्या है, दो फोकस होते हैं, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस यहां और द्वितीय फोकस यहां होता है। तो यानी इसका जो हम उत्तल लेंस में फोकस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं, जैसे ये लेंस बना हमारा, प्रथम फोकस यहां, द्वितीय फोकस यहां, तो प्रथम फोकस इधर है, वही मेन फोकस मान के अगर हम चलें, तो यानी उसकी हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो सदैव धनात्मक क्या ली जाती है, धनात्मक, ये याद रखिएगा। यानी उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए धनात्मक, और जब अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। क्योंकि अवतल लेंस बनाएंगे तो उसका जो प्रथम फोकस है वो बाईं ओर होगा, तो प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की जो भी दूरी नापेंगे वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपने उत्तल लेंस के किरण आरेख डायग्राम में देखा होगा कि जो वस्तु की विभिन्न स्थितियां हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए जो भी लंबाई होगी प्रतिबिंब की वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्योंकि आप ये फिगर ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैंने डायग्राम बनाया है। यहां आपको डायरेक्शन दिया है,
तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे की ओर बनता है, तो यानी प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक लेना है। अच्छा, वस्तु की लंबाई सदैव क्या लेंगे, लंबाई की बात करूं, लंबाई तो सदैव क्या लेते हैं, लंबाई धनात्मक लेते हैं, ठीक है। और वस्तु की दूरी बात करूं, जब प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी डिस्टेंस, तो इसको क्या लेंगे, ये विपरीत है, यानी इसको क्या लेंगे, दूरी ऋणात्मक। आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी अगर हम u माने और प्रतिबिंब की दूरी v माने, तो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा लेंस लेंस का, तो वहां u का मान क्या रखेंगे, ऋण में रखेंगे, ठीक है। और उत्तल लेंस है तो उसके लिए f का मान क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और अवतल लेंस है तो f का मान क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी नियम। आप सभी को यह जानकारी समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको बताई। इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा और बहुत ही आसान है। आप सभी को अगर ये हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने साथ पढ़ने वाले सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।